जय दोस्तों, मैं उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में फिर हाजिर हुए एक नया विषय लेकर के। पिछले क्लास में हमने बात करी थी अपनी कि प्लास्टिक की बारिश कहां हुई, वो एक क्वेश्चन हमने किया था। साथ ही आप लोगों को बता दूं जो नए लोग हैं कि आज का जो मुद्दा है वो भी बहुत ही खतरनाक है और ध्यान देने लायक है भाई। चलिए, आज अभी हाल ही में पीछे चर्चा में रहा आपका विश्व कैंसर दिवस, तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को आपका वर्ल्ड कैंसर डे। सबसे पहले बात करेंगे आज हम किसकी भाई, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया आपका। तो विश्व कैंसर दिवस की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया गया, और ये क्यों मनाया जाता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। कब मनाया गया भी आपका 4 फेब को मनाया गया है अभी, और इस वजह से ये चर्चा में है। क्या चर्चा में? कैंसर। अब कैंसर चर्चा में क्यों है, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान पिछले 2-3 साल से किसके ऊपर भाई, COVID-19 पर, कोरोना को लेकर के इतनी डेथ होगी, ये हो गया वो हो गया, पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। तो इस कोरोना काल में इस कैंसर जैसी बीमारी ने दुनिया को किस प्रकार से खाया है, मैं ये कहूं किस प्रकार से परेशान किया है, तो आप आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या। तो चलिए एक बार बात करते हैं आज हम किसकी, कैंसर की, किस कोरोना काल में किस प्रकार से कैंसर ने जिंदगियों को खाया है, जिंदगियों को मिटाया है, लोगों की जान ली है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर की, कि विश्व के अंदर कैंसर की स्थिति क्या है, किस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों विश्व के अंदर लेते हैं एक बार, विश्व में कैंसर ने किस प्रकार से, और ये इस कोरोना काल में काफी इसके अंदर क्या हुआ, इजाफा हुआ इस बीमारी के अंदर, बहुत से लोग इस बीमारी से मरे हैं, बहुत से लोगों की जीवन लीलाएं समाप्त हुई हैं। तो उस बात को लेकर के आज जो हम यहां पर डाटा दे रहे हैं आपको, देखेंगे विश्व में कैंसर। तो सबसे पहले लेते हैं कि 2018 तक विश्व के अंदर जो कैंसर के मरीज थे, अचंभित करने वाला डाटा रहेगा भाई, 18.1 मिलियन कितने लोग भाई, 18.1 मिलियन लोग आपके 2018 तक थे भाई कैंसर के मरीज जो थे, और इनकी जो संख्या बढ़ रही है, ये किस प्रकार से संख्या बढ़ रही है वो देखिए, और भी ज्यादा खतरनाक रहेगा। साथ ही हम बात करें मरने वाले लोगों की संख्या भाई, मरने वाले लोग कैंसर से मरने वाले जो लोगों की संख्या है, ये आपकी 9.6, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मिलियन, 9.6 मिलियन जो लोग हैं इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है किसी कैंसर से, एज पर WHO की रिपोर्ट के अनुसार। कौन कह रहा है इसको, WHO ने बताया है कि मरने वालों की जो संख्या है विश्व के अंदर 9.6 मिलियन आपकी क्या है, कैंसर से मरने वालों की संख्या है भाई। ओके, साथ ही बात करें, देखिए हर 5 में से 5 जो पुरुष हैं, 5 पुरुषों में से जीवन में एक व्यक्ति को, एक पुरुष को, और सेम ऐसे ही एक महिला को क्या होता है भाई, कैंसर होता है, एक महिला को क्या होता है, कैंसर होता है। अब इसमें हम बात करते हैं, यहां 8 पुरुष में से, देखिए भाई 8 पुरुषों में से आपका एक व्यक्ति क्या भाई, आपका एक व्यक्ति या एक पुरुष की क्या होती है, मृत्यु होती है, सुनिए इसको। और यहां पर बात करें 11 महिलाओं में से हर एक महिला की क्या होती है, महिला की यहां पर मृत्यु होती है, किसके द्वारा भाई, कैंसर के द्वारा, यह भी आपका WHO की रिपोर्ट के अनुसार है। गंभीर विषय है भाई, सोचने का विषय है कि इतने जो लोगों की जान ले रही है बीमारी, तो इस पर जागरूकता होनी चाहिए, इस बीमारी पर कंट्रोल होना चाहिए, इसकी तरफ पूरा विश्व का ध्यान जाना चाहिए। चलिए भाई आगे बात करते हैं, साथ ही हम बात करते हैं अब एक बार भारत की बात करते हैं कि भारत में जो कैंसर की सिचुएशन है वो क्या है। देखिए भारत में कैंसर पीड़ितों की संख्या,
भारत में जो संख्या है कैंसर वालों की, कैंसर पीड़ित यानी कि कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है, तो ये रहेगी आपकी 2.25 मिलियन। अरे भाई ये जो है इसको 2.25 को 10 लाख से गुणा कर लेना, संख्या मिल जाएगी, इतने लोग आपके कैंसर के मरीज हैं भारत के अंदर। अचंभित। आगे देखिए, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष में क्या होता है भाई, हर वर्ष में 1 लाख लोग, 1 लाख जो नए कैंसर के मरीज आ रहे हैं, नए कैंसर के मरीज आ रहे हैं आपके पास, कितने भाई 1 लाख लोग नए कैंसर के मरीज आ रहे हैं, ये भी है। और हर वर्ष, बहुत भयंकर डाटा भाई, हर वर्ष मरने वाले, मरने वालों की जो संख्या है, मरने वालों की संख्या कितनी रहेगी ये भी देखेंगे, तो ये है आपकी 7 लाख लोग, 7 लाख लोग कैंसर से मरते हैं भाई, कितने 7 लाख लोग हैं जो आपके कैंसर से मरते हैं हर वर्ष भाई। देखिए एक बार सुनेंगे, हमने बात करी विश्व कैंसर डे की, बात करी कि विश्व कैंसर डे आपका 4 फरवरी को मनाया जाए, क्यों मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए, किसके लिए भी, कैंसर से लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए यह बनाया जाता है, ठीक है। साथ ही बात करी विश्व में जो कैंसर की स्थिति है कि 2018 में 18.1 मिलियन लोग थे, मरने वालों की संख्या 9.6 मिलियन थी विश्व के अंदर, 5 पुरुष में से हर एक पुरुष, हर एक महिला 5 में से भाई, और 8 पुरुषों में से एक पुरुष की डेथ होती है, साथ ही आपकी 11 महिलाओं में से एक महिला की। उसके बाद हमने भारत की बात करी कि भारत में क्या है सिचुएशन है, तो भारत में भी आपके सामने है भाई, ओके। राष्ट्रीय मेडिकल अनुसंधान के अनुसार, राष्ट्रीय मेडिकल अनुसंधान के अनुसार लगभग आपका, लगभग अब पिछले 2-3 साल की अगर मैं बात करूं तो नए 17 लाख जो नए कैंसर के मरीज जो है आपके, कैंसर के मरीजों का पंजीकरण होना है भाई, मरीजों का पंजीकरण होने की संभावना है, पंजीकरण होने की संभावना, यानी कि कितने नए मरीज मिलने वाले हैं, तो 17 लाख नए मरीज आपको कैंसर के मिलने वाले हैं। और ये सारा आपको पता है पिछले 3 साल से कोविड-19 से जब से चल रहा था, तो इसमें बहुत भयंकर इजाफा हुआ, और अगर यही सिचुएशन आपकी बनी रही, पूरे विश्व के अंदर अगर लोगों को जागरूक नहीं किया गया, इस बीमारी को बढ़ने से नहीं रोका गया, तो 2030 तक 40 मिलियन लोग, यहां पर देखिए डाटा, बहुत भयंकर डाटा भी आपका, 2040 तक आपके कितने 30 मिलियन जो लोग हैं वो क्या होंगे, कैंसर के मरीज होंगे भाई, इतने सारे जो लोग हैं आपके ये कैंसर के मरीज होंगे, इसकी इनकी जो संख्या है यहां तक पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों इसको एक बार रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार अब बताऊंगा मैं तुम्हारे को कि ये था आंकड़ा, कोरोना काल में बहुत कम ध्यान देगा दूसरी बीमारियों की तरफ, और जब ये चर्चा में है तो इसकी बात हुई है। अब एक बार 2 मिनट में तुम्हारे को ये बता देता हूं कि कैंसर है क्या, कैंसर कितने प्रकार की है, बने रहेंगे, और उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों को पर डे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ करंट डिलीवर किया जाता है। अगर आप लोगों ने पूरा डेली का करंट देखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने आप लोगों ने, तो उज्जवल कोचिंग कैंपस जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए, इसे सब्सक्राइब करिए, और आपको प्रत्येक दिन आपको ऐसे ही विषयों की आपको क्लासें मिलती रहेंगी भाई। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कैंसर क्या है, ये जो बीमारी है जिसका अभी आपने हाल ही में जो डाटा लिया है ये क्या है भाई, इसके ऊपर हमें बात करेंगे अगले 2 मिनट में, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी भाई। कैंसर की बात हो रही है तो कैंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए कोशिकाओं का अनियमित रूप से बढ़ना और उनका विभाजन होना, ये क्या कहलाता है, ये किस बीमारी, ये कौन सी बीमारी में होता है, तो कैंसर में। तो कैंसर के लेते देखिए कोशिकाओं का अनियमित रूप से बढ़ना भाई,
मित रूप से बढ़ना, कैसे बढ़ना, यानी कि अनियमित रूप से बढ़ना, और फिर क्या होना उसका विभाजन होना भाई, विभाजन होना अनियमित रूप से विभाजन होना, ये क्या होता है आपका कैंसर में, ये इससे क्या होता है कैंसर, ये क्या आपकी कैंसर है। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कोशिकाओं का अनियमित रूप से बढ़ना, कोशिकाएं क्या होती है, जो कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं वो अपने आप क्या होती हैं एक लिमिट के हिसाब से, जो कोशिकाएं जो आपकी खत्म हो जाती है उनकी जगह नई कोशिकाएं आ जाती है, और वो गिनती के अपने लिमिट के हिसाब से क्या होता है उनका विभाजन होता है। जब अनियमित रूप से इस प्रकार से हो तो ये क्या आपकी कैंसर है भाई। यहां पर देखिए कोशिकाएं, कोशिकाओं में डीएनए होता है आपका, क्या होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर आपका जींस, क्या होता है जींस, और ये जींस ही कोशिकाओं को आदेश देता है कि किस प्रकार से आपने क्या करना है बढ़ना है और किस प्रकार से आपने विभाजन होना है। तो ये जींस का ही सारा खेल है। कैंसर की बात करें दूसरी, देखिए कैंसर आपका जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, जेनेटिक बीमारी भी है भाई आपकी कैंसर। साथ ही बात करें न्यूज के अनुसार है कि भाई कैंसर अब तक 100 से ज्यादा प्रकार की जो कैंसर है उसका खोज हो चुकी है। कैंसर में अगर हम बात करते हैं तो लंग्स कैंसर है आपकी, उसके बाद आपका मुंह का कैंसर है भाई प्रकार की अगर हम बात करें, साथ ही फेफड़े हो गए लंग्स आपके, साथ ही हम बात करें पेट का कैंसर भाई, गले का कैंसर है, इस प्रकार से ये मुख्य कैंसर है। यहां एक बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है कि जो कैंसर है आपका सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर कौन सा है, तो जो लंग्स का कैंसर है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। 2007 में इस कैंसर से 88,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, किस कैंसर से आपकी लंग्स के से। यहीं पर हम बात करते हैं कि जो कैंसर है उसकी स्टेज कितनी होती है, तो कैंसर की जो स्टेज होती है टोटल 4-5 स्टेज होती है भाई आपकी, 0, 1, 2, 3 और 4 ये स्टेज क्या होती है आपकी लास्ट मानी जाती है, कि लास्ट स्टेज कौन सी होती है आपकी 4 होती है, और इसे व्यापक स्टेज भी कहा जाता है। व्यापक स्टेज क्या कहा जाता है भाई इसे, व्यापक स्टेज, जब ये लंग्स कैंसर में चौथी स्टेज पर जब बंदा होता है तो उसे क्या कहा जाता है व्यापक स्टेज कहा जाता है। साथ ही ये किसके खाने से होती है, कैंसर किसके खाने से होती है, ध्यान रखना भाई आपका जो प्रोटेस्ट जो आपका मीट है, यानी कि जो मीट काफी समय से रखा गया है उसको खाने से, चटपटा खाने से, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, निकोटीन होता है इसके अंदर। साथ ही बात करें ज्यादा मिर्च खाने से क्या होता है भाई, ज्यादा मिर्च खाने से आपके पेट की कैंसर होती है, पेट का कैंसर होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहां बताने को, लेकिन समय की बात है भाई, अगर आप लोग इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल उज्जवल परिवार की तरफ से, जो आपके बीच में उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से YouTube चैनल है, उसमें आइए सब्सक्राइब करिए, आप इसी प्रकार के बेहतरीन जो कंटेंट हैं, जो रेगुलर चल रहे हैं, जो आपके चलन में 2022 में आपके एग्जाम में भी काम आएंगे और आपकी जानकारी और आपके जीवनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।